तो कैसी कट रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो आज भैया माइक नहीं है, इसीलिए ओवरलैपिंग करना पड़ रहा है। तो तीजों के मेला में आए हुए थे, नागेश पाठक के पास में लगता है। नागेश पाठक का मकान है, उनको हॉस्पिटल है, वहीं पर ये मेला लगता है। चौराहे पर दो गलियों में पूरा मेला समाप्त हो जाता है उधर से इधर की ओर। तो मेले में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, फिलहाल कई लोग मिलने वाले मिल गए, कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, उनसे भी आपको मिल पाएंगे। तो मेला बस दो चार दुकानों के साथ, 10-5 ठेलों के साथ ये पूरा मेला लग जाता है। बस ये है कि कभी कभी कुछ नया देखने मिल जाता है। हालांकि बीसापुर में मेले लगने का औचित्य कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा बीसापुर ही एक मेला है। ये हमारी शिष्याएं थी। इतने ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं ये लोग, पता नहीं ज़्यादा किसके किसके माइंड में क्या क्या चलता रहता है। फिलहाल मेरी आवाज़ सुनने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए ओवरलैप करूँगा मैं। तो भैया सामने ये था नाव वाला झूला, और झूले के पास इतनी ज़्यादा भीड़ और झूले के ऊपर भी इतनी ज़्यादा भीड़, एकदम ऐसे भर रखा था जैसे लोकल जब टेम्पू चलता है हमारे यहाँ 20 रुपये से बड़ा जोड़ जाता तो दबा दबा के भरता है, वैसे एकदम पूरा झूला भर रखा था। छोटा झूला था लेकिन बहुत ज़्यादा, बड़ी के बेली वाला झूला, ये 4 पालकी वाला था, मस्त एकदम चल रहा था, और बच्चे खूब मुझे ले रहे थे। इसी बीच हमारे सब्सक्राइबर मिले, आइए मिलते हमारे सब्सक्राइबर से। परमानेंट सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं होता, हमारे यहाँ होती है फैमिली। तो ये हमारे फैमिली के सदस्य हैं, और इनके ये पापा जी हैं, उनकी पीछे दुकान ही है यहीं पर। फिलहाल मैंने बताया कि मैं तीजों के मेला में आया हुआ हूँ, अंकल जी ने बताया, आज भाई कमेंट किया है। हाँ, कृष्णा कश्यप की दुकान है, कृष्णा बटन। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। और प्रतीक भाई का भी चैनल है, अभी शॉर्ट बना रहे हैं, लॉन्ग कंटेंट के लिए सोच रहे हैं कुछ। सब्सक्राइब करो और मुझे सब्सक्राइब मारो भले ही, लेकिन भाई को सब्सक्राइब करो। नहीं देखो, मुद्दे की बात यह है ना, अगर तुम लोग हमें देखना चाहते हो, तुम लोग भी चाहते हो कि बीसलपुर का थोड़ा नाम हो, पूरी दुनिया में एक ही सुर बीसलपुर, तो यार किसी भी एक बंदे को सपोर्ट करो। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी आगे निकले और आगे बढ़े। ऐसा नहीं, भैया के चैनल को आराम सब्सक्राइब करें आप लोग, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें आराम से। शॉर्ट नहीं आ रही लेकिन आप बड़े ब्लॉग को आ रहे हैं। मेला चाहे तीजो वाला हो या नॉर्मल, लेकिन हम लड़कों के मतलब की कोई चीज़ मिलती नहीं है, सिर्फ महिला मंडली के मतलब की चीज़ मिलती है। चूड़ी, कंगन, बिसात खाना, उड़िया गुड़िया, मतलब ठीक है यार, थोड़ा बहुत लड़कों के लिए भी रखना चाहिए। भांग तुरा, बेल का पत्ता, कुछ भी रखो भाई। हाँ, ये रहे अपने वो बाबा जो बीसापुर के मेले में कई सालों से ये पपिया बजाते आ रहे हैं, बेचते आ रहे हैं, बाँसुरी बेचते आ रहे हैं, और यहाँ भी ये हमको मिल गए। बातचीत तो नहीं कर पाए क्योंकि माइक था नहीं आज। और इधर भी देखो महिला मंडली वाला सामान, और बच्चों के खिलौने। मेला बहुत छोटा है, यही कोई बताया ना मैंने, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इधर ये सामने अंकल जी, इनकी ख्वाहिश थी कि इनको वीडियो में ज़रूर लिया जाए, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इनको पता भी नहीं चला कि वीडियो बन गई। बाद में इन्होंने कहा, अरे भैया हमको लिया ही नहीं, भैया भैया हमको लिया ही नहीं भैया। अब रुक जा, अब रुक जा, आ जाओ आ जाओ। तुम्हें यार कैसे छोड़ दे ये बताओ, तुम्हें ध्यान है जब 150 थे अपने, उस दिन से तुम साथ। ये मेला इतना छोटा क्यों इस बार? पता नहीं, तोड़ फोड़ का माहौल चल रहा है इसलिए मिला। अच्छा, तोड़ फोड़ करते हैं हम लोग। हाँ, बहुत बड़ा दिल है भाई का। हाँ प्रवीण, हाँ उन्होंने भी ब्लॉगिंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है, प्रवीण एक्स ब्लॉग। अच्छा, ये हमारे सपोर्टर हैं भाई, हमारे नहीं, हमारे ब्लॉग के सपोर्टर हो तो भाई, ये हमारे सपोर्टर हो आपके चैनल के। अच्छा, मेरा नाम पता है? सचिन। और चैनल का नाम क्या यार? हाँ हाँ भाई, मान गए मान गए। हाँ आ जाएगा, आप घर पे आके देखना। बताओ, प्रो मैक्स ट्रिपल नाइन। भैया नमस्ते। हाँ हम वीडियो बनाते हैं, आप देखती हैं क्या? हाँ। तो फिर आप जाके पूछ रहे हैं आप वीडियो बनाते हैं, चलो मस्त रहो खुश रहो, आज सबको ब्लॉग में आ जाना है। ठीक है, जाइए जाइए, आज तो सबको ब्लॉग में आना है, मतलब मेला से जाता तो यहाँ हमारी पब्लिक घूम रही है, मतलब हमारी फैमिली घूम रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बिना आउटरो के, बाय।